तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह के 8:30 बजे से और अपने गांव के खेत से। तो यहाँ पे अभी गुड़ाई चल रही है साटी की। तो हमने इसकी एक बार गुड़ाई कर दी है, तो जिसको बोलते हैं पहलगाड़, और अभी दुनगाड़ लग रहा है। मतलब दो बार इसकी गुड़ाई होगी और तीसरी बार इसको जैसे मतलब बड़ा हो जाएगा तो इसको नेलते हैं। मतलब जो कबाड़ रहता है, जो घास रहता है, इसमें वो निकालते हैं। और यहाँ पे मम्मी ने अभी मतलब कुआल दाल में थे ना, मतलब ये जो ये वाली दाल है, तो मम्मी ने ये वाली दाल भी इसमें डाली है। तो मतलब जैसे जैसे अभी गुड़ाई कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे मम्मी पूरे खेत में दाल डाल रही है। और हमने यहाँ पे तिल भी बो रखे हैं। तिल भी मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, बट इस टाइम पे शायद बहुत कम है क्योंकि पिछली बार हमारे बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो हमने वैसे निकाल के हमने फेंक दिया था उसको। तो मतलब ये कबाद क्या होंगे माँ, ये वागवाद नियाल दक्षण नियालनाबाद, मतलब तीन गुआड़ ना उनके, दो हाँ। वैसे तो हमारे यहाँ मतलब ये वाली जो साड़ी है तो इनको लगाते भी हैं, बट तो इतना ज़रूरी भी नहीं है। कहीं पे जैसे बंजर रहता तो वहीं वहीं पे लगाते हैं, और वैसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। तो अभी हम भी गुड़ाई करते हैं और वैसे वैसे मैं बताती हूँ, यहाँ का व्यू भी बताऊँगी मैं आपको गाँव का। और यही आ चुकी हूँ घंडियाला सोड़, क्योंकि हमने सुबह गाय को चराने के लिए भेजा हुआ था। तो मैं जब तक खेत में गुड़ाई कर रही थी तब तक देखा तो गाय भी आ चुकी थी घर की ओर। तो मम्मी ने बोला कि उनको अभी जंगल की ओर चराने के लिए भेज दे, तो मैं अभी आई हूँ। तो ये है हमारा घंडियाल देवता का सोड़, और यहाँ पर हम मतलब गाय को चराने के लिए भेजते हैं। तो गाय मतलब हमने सुबह लगा दी थी 8:30 बजे से पहले चराने के लिए, तो वो जल्दी आ गई थी क्योंकि आजकल पता धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं इन्हें लगाने आई हूँ, फिर अभी खेत में जाना है मुझे और फिर उसके बाद मैं घर जाऊँगी खाना बनाने के लिए। और यहाँ का व्यू भी देख सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल तो सारा हरियाली हरियाली लग रही है, तो मैंने लगा दिया है नीचे चराने के लिए। और मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी मैं चलती हूँ खेत में और थोड़ी देर में मिलते हैं।